आत्महत्या से मरने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वह मुंबई के बांद्रा स्थित मॉन्ट ब्लैंक अपार्टमेंट में रह रहे थे। राजपूत प्रतिमाह 4.5 लाख रुपए किराया दे रहे थे। हालांकि उन्हें 14 जून 2020 को उनके घर पर लटकते हुए पाया गया था। 2 मंजिला मकान किराए पर दिया गया और धीरे धीरे किराया भी बढ़ता गया। कुछ लोगों की रुचि उस घर को खरीदने में थी जिसमें सुशांत रह रहे थे। अब ऐसी अफवाह है कि कोई घर खरीदने में दिलचस्पी रखता है। आश्चर्यजनक कौन है वो? वो है द केरला स्टोरी फेम की एक्ट्रेस अदा शर्मा। मुंबई के लोकप्रिय सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वीरल भयानी ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें अभिनेत्री को अपार्टमेंट का दौरा करते हुए छत पर खड़े होकर सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए देखा गया था। वीडियो वायरल हो गया। जब वह घर से नीचे आई तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने घर खरीद लिया है। अदा ने 2 पॉइंट के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं कुछ खरीदूंगी तो तुम सबको बताऊंगी। अगर मैं सुशांत का घर खरीदूंगी तो आप सभी का मुंह मीठा जरूर करवाऊंगी। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठकर चली गई। लोग सशंकित थे। एंटरटेनमेंट पोर्टल टेली चक्र के मुताबिक शर्मा की टीम ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि यह सच है। हालांकि अभिनेत्री कब वहां रहने जाएगी और अन्य जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है। पहले अदा ने सोशल मीडिया पर एक स्वास्थ्य अपडेट साझा किया था जिसके बाद उन्हें गंभीर दस्त और फूड एलर्जी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच सुशांत की मौत का मामला 3 साल से सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और एनसीबी द्वारा संभाला जा रहा है। तीनों एजेंसियां मामले की जांच कर रही है, इसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है और जांच अभी भी जारी है। टेलीचक्र द्वारा ये घोषणा करने के बाद कि अदा घर खरीद रही है, हर कोई घर की कीमत जानना चाहता है। हालांकि वह घर में कब रहने आएगी, इसकी लागत और अन्य विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं। हमें दिलचस्प अपडेट के लिए इंतजार करना होगा।